चारी रोटी भी विगत की हुई दिशा गौतमी छिड़ी है, सोचती है जा रही है कि हमने लौट करके घर वापस नहीं जाऊंगी, अपने प्राणों का त्याग दूंगी, लेकिन मेरी सासू ने मेरे साथ में इतना बड़ा अन्याय किया है और मेरी माताओं बहनों ये बात हंसने की नहीं है। अधिकांश हमारी बहनों के साथ में ऐसा होता है, देखा है आप लोगों ने देहाती इलाके में अधिकांश बहनों के साथ में यही व्यवहार होता है। यदि किसी बहन की कोख से बेटा बेटी ने जन्म लिया तो घर परिवार के लोग जीने नहीं देते हैं, यदि किसी गरीब परिवार की बेटी है तो भी उसे बहुत प्रताड़ित किया जाता है, अधिकांश यही हो रहा है। आज धीरे धीरे आज जो मेरी सासु ने घर से धीरे धीरे अज दुखी आई तीनों त्याग दूंगी, अब तो कृष्ण गोत्री बड़ी ही दुखी है। मेरी माता बहनों भाइयों आज यही मैं अपने प्राणों से त्याग दूंगी, फांसी लगा करके मैं मर जाऊंगी, लेकिन अब पुनः वापस लौट करके घर नहीं जाऊंगी। कृष्णा गोत्री ने आज
शाड़ी का पल्लू निकाला और उसी गच पर फांसी का फंदा लगा लिया है। और जैसे ही फांसी का फंदा बनाया झूलने के लिए औकत हुई, मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, उसी समय कृष्ण भगवती का पति आ जाता है। हरे कृष्णा। हाँ, क्या बात है। अरे कुछ मत पूछो। अरे कुछ तो बता तुमने। अरे क्या बताओ, कुछ बताया न जाए और बिन बता रहा बिन बताए रहा न जाए। स्वामी हम तुम्हें क्या बताएं अपने दिन की बात। अरे कुछ तो बताओ। क्या बताना, तुम जा क्या करना है ये दिन और जंगल बसो। हम जंगल मन आए। मन आए? हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब है। दिमाग बिल्कुल खराब है। कितने कई तरह से मन कीजिए बताओ। आज कृष्ण गोत्री कहने लगी है, स्वामी अब मैं लौट करके घर वापस नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी, अब संसार में नहीं जियूंगी। कृष्ण गोत्री का पति कहने लगा, ऐसा क्या हुआ है कृष्ण, क्या हुआ है बताओ तो सही। मुझे तुम्हारी माँ ने घर से निकाल दिया है, वो इसलिए कि हमारी कोख से कोई बच्चा नहीं है इसलिए। अरे ये पागल है, ये तो प्रकृति का स्वभाव है। बच्चा देना देकर के छीन लेना, ये तो प्रकृति का स्वभाव है। इसलिए तुम मेरे साथ चलो और हम अपनी माँ को समझाएंगे। हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। अरे जब हम कह रहे थे मेरी पेट और नहीं जब चलो बहुत पिटाई लगाई। अरे अब तुम चलो भाई। आज कृष्ण गोस्वामी ने अपने पति की बात मान ली और पति की बात को मान करके आज चली है। इधर तो मेरे भाई बहनों कृष्ण गोस्वामी और उसका पति जब चला है तो धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। जब पति और पत्नी में अपार प्रेम बना है तो मेरे भाई बहनों समय बीतने पर कृष्ण गोस्वामी ने गर्भाधान संस्कार को प्राप्त किया है। कितने दिन तुम्हारी प्रीति करी जननी ते प्रिया सतवारी फिर करवाओ तारती नारी के साथ कभी होता है। बल में बनता है तो बल में बिगड़ता भी है। पति के विषय में तो किसी ने कुछ नहीं जान पाया। आज समय पे ऐसी मोड़ ली है, पति का प्रेम पाकर के कृष्ण भगवती ने गर्भाधान को शिकार को प्राप्त किया है। Thank you.
मेरे भैया आज कृष्णा गोदवी ने गर्भाधार संस्कार को प्राप्त कर लिया है। बच्चों गर्भवती हो जाती है और जैसे ही बुढ़िया ने देखो हमें जलद हमारी बहू पिताजी हो गई है काफी है। और जब सुनने को मिली बुढ़िया को कि हमारी बहू गर्भवती हो गई तो बड़ी खुश हुई, बड़ी खुश के मारे फूली नए समाई रही। अरे अरे डोकरी बड़ी खुश हो अच्छू तो बताए गए हो अरे इतनी खुश हो बताओ तो पछू खुशी सो कौन सी ऐसी बात है हाय गुड़िया ने जैसे सुनी अब तो खुशी के मारे चिपकी जैसे मेरी मेरे कही तू ले तू कहाँ से है पहले वही बुढ़िया बहू को रोक नहीं खाती अब तो हाय मेरी बहू का घरे का उठाए बोली बहू देखो तुम काम ना करो करो कुछ ना करो तो सिर्फ आराम करो और हम सब समान लिया कैसा गौतमी कहने लगी माँ दूर हो जाओ अरे कोई जरूरत नहीं तुम्हारी ऐसे नहीं खाते सब कुछ हम कर लिए मेरी दर्शन हर सर काम कर लिए आज मेरे भैया जब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है तो समय आने पर कृष्ण गौतमी के गोद से बड़े सुंदर से बेटे ने जन्म लिया है। अब तो बुढ़िया खुशी के मारे चटकी जाग न सकती और चाय के पूरे प्रदेश नगर में बुलरुआ के आई बड़े दिन बाद लला को जन्म भो अब तो खुशी के मारे भूली ना है समाये दिन एक नमस्ते अपने लला को आवाज लगाई ओ लला 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 क्या नाम है लला सतक हेलो काय आ पाए कछु सुनाई नहीं ना तू आए ना आई हमारा प्रभाव लला घरे में अरे बड़े हो जाओ कितनी खुशी की बात है तो ऐसो करो हम पूरे काम से नहीं आए बिलौदा ध्यान अब कमेटी वाले भैया लोगों को बुलाओ और हरीरा को इंतजाम करवाओ कछु नौकरी कछु
समझाए दियो महंगाई को जमानो है ना। सबसे कम लड्डूवन के लिए हरीदा के लिए तो 1000 रुपया आए हो चाहिए जिन चावल सही तो आ जाओ कमेटी वाले भैया लोग आज गदरी की कोख से बड़े सुंदर से लेकिन जन्म लिया है और मंगल गीत और बधाइयां बजने लगी है कैसे तेरे सामने जायो भैया लोग कम से कम बड़े दिन दबाव लगा को जन्म भाव है तो जो छावर को करो आए कम से कम आए है और लला की तो है तो मंच पे तो आओ बात चले दे हमारी भैया ने भी रिशाद की घंटा मान लो लड्डू मतलब कितने जाम करो खुशी ना है वैसे अच्छी बात ना है।